झारखंड में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि निर्माण के 10 दिनों में ही 37 लाख की लागत से बनी पुलिया धराशायी होने के कगार पर है। रामगढ़ जिले के पतरातु प्रखंड के साकी गांव और बुच टोला में पीसीसी सड़क के साथ पुलिया का निर्माण तो हुआ, लेकिन 10 दिन के बाद थोड़ी देर ही की मामूली बारिश में पुलिया में चौड़ी दरारें भी आ गई हैं। अभी पुलिया का उद्घाटन तक होना बाकी था और आरोप है कि संवेदक ओम प्रकाश गुप्ता ने जमकर धांधली की है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनुज कुमार ने। रामगढ़ जिला के पतरातु प्रखंड के साकी पंचायत की बात करें तो आप सबसे पहले मैं कैमरे के माध्यम से यह दिखाने का कोशिश करूंगा, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल रामगढ़ द्वारा जिला योजना अनुबंध निधि मद से 37 लाख की लागत से पुल पुलिया और सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, जो इन दिनों भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मैं ये दिखाने का कोशिश करूंगा किस तरीके से यहाँ पुल में पूरी तरीके से दरार, आर पार पुल में पूरी तरीके से दरार पड़ गया। 37 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया था, संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है और जिस जगह यह कार्य हुआ है संवेदक के द्वारा किसी प्रकार का शिला पट भी नहीं लगाया गया है। किस योजना से बना है, कितने के लागत से बना है, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय ग्रामीण इनसे जानते क्या हुआ है। हम यहाँ पर तो ठेकेदार ऐसे बोलता था कि नहीं सो 28 लाख का है, लेकिन यहाँ है सो अपना एस्टिमेट तो नहीं बताता था, लेकिन ये जो है सो इस पुल जो बना है ये गहरा मिट्टी खोद के उसमें मिट्टी भर के ऊपर से पत्थर से बना के कंप्लीट किया और वर्षा का पहला दिन ही यहाँ ज़्यादा दूर से पानी नहीं आता, दो खेत तीन खेत का ही पानी इसमें हल्का सा गिरा, आकाश के भी वर्षा नहीं हुआ जिस और ये पुल जो है सो क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ की दरार, हम लोगों का हाथ घुस जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? इस पुल को फिर से बनाया जाए और नहीं तो हम लोग का सपना जो है ये हम लोग सोचे थे कि ये पूर्वज जो है सो हम लोग मिट्टी में जी कीचड़ से झेलते रहा और हम लोग सपना देखे थे कि ये साकार हो गया हम लोग का रोड, लेकिन यहाँ तो पुल जवाब दे दिया कि ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। 10 दिन के अंदर ही ये पुल फट गया है, जबकि वर्षा यहाँ कसकर नहीं पड़ा है, हल्का फुल्का पड़ा है। सुना आपने, 10 दिनों के अंदर में यह पुल पूरी तरीका से धराशायी हो गया। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, जाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख ले यह पुल पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त। मैं कैमरे के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह पूरी तरीका से आर पार यह पूरी तरीका से क्षतिग्रस्त है। कहीं तो संवेदक जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है इसमें घोर अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण यह पुल मात्र 10 दिनों में इसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। शिलान्यास तो हुआ है लेकिन शिलान्यास का बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है और उद्घाटन तक भी नहीं हुआ है, लेकिन यह धारा का धराशायी हो गया। कहे तो यहाँ पर रामगढ़ जिला प्रशासन को इस पर नजर बनाने की दरकार है और वैसे संवेदक जिनके द्वारा कार्य किया गया है वैसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की दरकार है। रामगढ़ से TV45 के लिए मैं अनुज कुमार। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज, जो तस्वीरें सामने आई रामगढ़ से वो साफ तौर पर हमारे दर्शक भी यही देख के सोचकर यही सवाल कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या धांधली किया गया, ऐसा क्या फर्जीवाड़ा किया गया कि पुल जिसका उद्घाटन तक अभी नहीं हुआ था और वो पुल निर्माण 10 दिन भी नहीं हुए थे कि मामूली सी बारिश में धराशायी हो गए। पहले तो पूरी कहानी समझाइए, आखिर कौन संवेदक थे जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इस पुल की? जी अंकिता, बात करें तो रामगढ़ के पतरातु प्रखंड का यह पूरा मामला है। पतरातु प्रखंड के साकी गांव में यह पुल बना हुआ था और साकी गांव में पुल यह 10 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। पूर्व सांसद हजारीबाग के पूर्व सांसद जैनसिन्हा और बड़का गांव के वर्तमान विधायक जो है अंबा प्रसाद के कार्यकाल में इसका शिलान्यास भी किया गया था। अब पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो 7/2023 मतलब कह सकते हैं 2023 में इसका DPR तैयार किया गया था और इसको 3 महीना में तैयार कर रहा था। 325 मीटर इसको पूरी तरीके से पथ का निर्माण कर रहा था, उसमें पुलिया भी था। इसकी लागत 37,04,003 रुपए थे, लेकिन बात करें तो बेलो रेट पे इस कार्य को संवेदक के द्वारा कार्य को लिया गया था। ओम प्रकाश गुप्ता जो कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर संवेदक के द्वारा काम किया गया है। पतातु प्रखंड के साकी गांव के बूच टोला झागू बेदिया के घर से मुखिया सखिया बेदिया के घर तक इसका निर्माण कार्य करना था, लेकिन पहली बरसात में ही जो पुल है पूरी तरीके से धराशायी हो गया। जो आसपास के ग्रामीण है वहां पर निवास करते हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जब यह निर्माण कार्य किया जा रहा था तो संवेदक को बार बार कही जा रही थी कि यहाँ पर आप जो मापदंड है मापदंड का को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन संवेदक ने जैसे तैसे काम को ग्रामीण को समझा कर वहां पर जहां पर रड सरिया डालना था वहां पर सिर्फ मिट्टी का मोरम डालकर पूरी तरीके से इसको बनाया और जिसका नतीजा है कि पहली बरसात में यह पुल पूरी तरीके से धराशायी हो गया।
इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही गई है। साथ ही साथ देखिए अनुज, अगर हम बात करें, देखिए जांच तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या संवेदक ओम प्रकाश गुप्ता ने क्या इसे मजाक समझा था? क्योंकि अगर पुलिया का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कई ज्यादा लोगों की उम्मीदें हैं वहां के, जो गांव, जिस गांव का आप नाम बता रहे हैं साकी गांव, वहां के लोगों की उम्मीद यही होगी कि पुलिया निर्माण से उनके आवागमन में थोड़ी जो परेशानी होती थी उसमें उन्हें निजात जरूर मिलेगा। लेकिन शायद ओम प्रकाश गुप्ता जी को ये नागवार गुजरा, इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी धांधली की। अगर ये तो चलिए कि 10 दिन हुए थे इसके निर्माण के और इसका उद्घाटन भी होना था, मान लीजिए इसका उद्घाटन भी हो जाता और पुलिया में आवागमन भी शुरू हो जाती और इसके बाद अगर इस तरह के हादसे होते तो उसकी जिम्मेदारी क्या ओम प्रकाश गुप्ता लेते? जी, सबसे बड़ी बात और अहम सवाल है कि जिस संवेदक के द्वारा काम किया गया, ओम प्रकाश गुप्ता इंटरप्राइजेस के द्वारा यह काम किया गया, उनसे मैंने कल संपर्क करने का संपर्क साधा, लेकिन उनके जो बेटा है मयंक कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि पापा को हार्ट की पेशेंट है, अगर ये पूरे बातें को जानकारी दी जाए कि पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो हार्ट के पेशेंट है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह पूरे मामले को लेकर छिपाते हुए नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हजारीबाग के जो नए सांसद है मनीष जायसवाल ने संज्ञान लिया है। कहा जाए इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा यहां पर नीपापोती की गई है और रामगढ़ जिस जगह से ये कार्यपालक अभियंता का कार्यालय रामगढ़ में, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पूरी तरीका से यहाँ पर खानापूर्ति गई, कमीशन खोरी के चक्कर में यह पुल पूरी तरीका से यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, सभी को कमीशन चाहिए, कमीशन के कारण इस तरह की घटना हुई और जो आसपास के ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि उनके जो पूर्वज थे मिट्टी के कच्ची सड़क में चला करते थे, तो उन्हें एक विश्वास था कि नया पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है तो हम लोग भी अब एक अच्छी सड़क में एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे, लेकिन उनका जो सपना है धराशायी रह गया। आज सूत्रों से पता चल रहा है कि वहां पर ठेकेदार के द्वारा काम करने की कोशिश की जा रही है, उसे पुनः बनाने का कार्य किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रामगढ़ जिला प्रशासन को ऐसे संवेदक जो कार्य कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर में धराशायी हो रहे, सबसे पहले ये लोग को ब्लैकलिस्ट करने की दरकार है। जी जी अनुज, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो आपने ये रामगढ़ से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे एक पुलिया का निर्माण तो जरूर कराया जा रहा है, 37 लाख की लागत से बनी पुलिया धराशायी होने के कगार पर है और ये सिर्फ 10 दिनों में ही 37 लाख की लागत से बनी पुलिया की ये तस्वीर है जहां पहली बारिश और थोड़ी बारिश में ही इसकी पोल खुल गई, कमीशन खोरी पूरी तरीके से हुई है और ये नाम सामने आ रहा है कि संवेदक ओम प्रकाश गुप्ता ने, माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश गुप्ता ने जमकर इसमें धांधली की है। तो देखने वाली बात होगी, आपके भी सवाल होंगे, हमारे भी सवाल होंगे कि आखिर जिला प्रशासन की नींद कब खुलती है, विभाग की कब नींद खुलती है और इस पर उचित एक्शन लिया जाता है।